तो हेलो दोस्तों, क्या आप भी गूगल मैप के जरिए पैसे कमाना चाहते हैं? तो हाँ बिल्कुल कमा सकते हैं। गूगल मैप के जरिए आप दिन में 1000 से 1500 रुपए आधे से 1 घंटे में कमा सकते हैं। वो कैसे, तो वो हम जानने वाले हैं। जी हाँ, अगर आप 4 से 5 घंटे काम कर लेते हैं तो आराम से 3 से 4 हजार रुपए अर्न कर लेते हैं। और साथ में ये बताना चाहूंगा, ना तो किसी वेबसाइट पर जाने की जरूरत है, ना कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत है, बिल्कुल अपने फोन से, वो भी गूगल मैप के मदद से। गूगल मैप एक ऑफिशियल मतलब ऑफिशियल ऐप है जिसका आप यूज करते हैं, गूगल के द्वारा लॉन्च करा गया है, तो उसकी मदद से ही आप जो है अर्न कर सकते हो। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाली, क्योंकि आप कुछ नया सीखने वाले। ओके, तो आइए फाइनली ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल MD सपोर्ट पर। ओके, तो देखिए फाइनली जो है मैंने अपना फोन ले लिया, आप भी अपना फोन ले रखे हो, यानी आपने भी अपना फोन ले रखा है। तो देखिए आप मेरे फोन की स्क्रीन आपको अब साइड में दिख रही होगी। तो फाइनली आपके फोन में ये मैप का एक ऑप्शन होगा। ओके, इस वाले मैप, ये वाला जो मैप है सभी के फोन में होता है, चाहे आपके पास 5000 वाला फोन हो, 10000 वाला फोन हो, हर फोन में अवेलेबल होता है। आपको इसको ओपन करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे, ओके, तो ये मैंने कुछ खोल रखा था, इसका इंटरफेस कुछ इस टाइप का आएगा। अगर बैकग्राउंड आपका, मेरा ब्लैक आ रहा है, आपका व्हाइट है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूज कर सकते हो। ओके, तो सिंपली क्या करना है आपको, आपको ही पता होगा, आपके एरिया में जो है काफी ज्यादा रेस्टोरेंट होंगे, काफी ज्यादा होटल होंगे, मोबाइल की दुकान होंगे। ओके, तो इसमें देखिए दोस्तों, हर एक पॉइंट आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, तभी आप अर्निंग कर सकते हो, वरना आप आधी अधूरी वीडियो देखोगे और ये काम करने निकल पड़ोगे कि हाँ इस भाई ने ऐसे ऐसे बताया था, ये चलो मैं काम करने निकल पड़ता हूँ, अब मुझे पूरी नॉलेज हो गई। तो क्या पता एक पॉइंट की वजह से आप जो है थोड़ी कम अर्निंग कर पाओ, और मेरे एक पॉइंट की वजह से आप जो है क्या पता 500-600 रुपए ज्यादा कमा पाओ। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरा देखिए। देखिए इसमें आपको ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा होगा रेस्टोरेंट का, ओके, शॉपिंग का, और एक होटल का, ओके, और इसमें हॉस्पिटल का भी ऑप्शन है। ओके, और शॉपिंग का भी, हॉस्पिटल का भी साइड में है। ओके, तो इसमें से क्या करना है आपको, सबसे पहले जो है रेस्टोरेंट टारगेट करना है। जी हाँ, रेस्टोरेंट को वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए जितने भी रेस्टोरेंट होंगे, देखिए महारानी रेस्टोरेंट, मदन स्वीट आ गया, HFC आ गया, आपका हल्दीराम आ गया, और न्यू उत्पत्ति आ गया, क्वीन आ गई, और कैलाश भोजनालय आ गया, रूम्स पिज्जा आ गया। तो देखिए जो फेमस रेस्टोरेंट है उनको आपको टारगेट नहीं करना है, जो लो है, जो नए नए ओपन हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए, ओके, जैसे मदन स्वीट है, काफी फेमस है, तो इसमें कोई फायदा नहीं है। जैसे कि ये आ गया गाजियाबाद फूड पिज्जा, ओके, ये नॉर्मल है, इसको किसी इंसान ने, मतलब इसको जो है किसी नॉर्मल हमारी तरह मिडिल क्लास की फैमिली ने स्टार्ट करा। ओके, ऐसे ही जैसे ये आ गया श्री गणेश भोजनालय। ओके, जैसे ही कुछ नाम आपको बताना चाहूंगा, KFC हो गया, मदन स्वीट हो गया, आपका ये डोमिनोज हो गया, जो मतलब फेमस है उनसे, उनको आपको कॉन्टेक्ट नहीं करना है। ओके, जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि सपोज करिए आपका ये श्री गणेश भोजनालय है, नीचे आ रहा है, तो आप इसे सिंपली क्या कहोगे, और जैसे इसकी रेटिंग जो है, इस वाले की रेटिंग देखिए 4 पॉइंट है, यानी 4 स्टार है, इसको आप 5 स्टार के लिए कॉल कर सकते हैं, इसको आप 5 स्टार पूरा करने के लिए कॉल कर सकते हैं, और सर्च में ले जाने के लिए। यहाँ से आप 2 तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। पहला, इनके जो मतलब रेटिंग है उसको 5 स्टार करके, 5 स्टार करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, 20 से 25 जनों का मोबाइल लेना होता है, या फिर आप 20 से 25 Gmail ID खुद ही बना लीजिए और खुद ही इस पर रेटिंग कर दीजिए। 5 स्टार रेटिंग हो जाएगी, जिसके आप जो है 1000 से 1500 रुपये उनसे कमीशन के तौर पर ले सकते हो। और दूसरा तरीका ये है, इनका जो ये रेस्टोरेंट है, इसको ऊपर लाने के लिए, यानी सबसे ऊपर टॉप पे लाने के लिए, जैसे ही कोई सर्च करे रेस्टोरेंट तो सबसे ऊपर है, इसके लिए भी आप इनसे पैसे चार्ज कर सकते हो 1000 से 1500 रुपये। अब देखिए सबसे ऊपर लाते कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। इनका रेस्टोरेंट आप सबसे ऊपर आसानी से ला सकते हो, जिसके आप ज्यादा से ज्यादा जो है पैसे चार्ज कर सकते हो, चाहे तो आप 2000 चार्ज कर लो, चाहे तो आप 3000 चार्ज कर लो। ओके, मतलब जितना बोलोगे ना उतना कस्टमर देने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका रेस्टोरेंट जो है सर्च में आएगा सबसे ऊपर, जिससे उनकी ज्यादा कमाई होगी। वो कैसे लाओगे आप, तो वो भी जान लीजिए। यहाँ पे देखिए कंट्रीब्यूट का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करना। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो, यहाँ पे देखिए एक ऐड प्लेस का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्लेस नेम में उनके रेस्टोरेंट का नाम आएगा, कैटेगरी में जो मतलब फूड का, अगर मतलब रेस्टोरेंट में फूड ही होता है तो फूड एंड ड्रिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। अब वो क्या सप्लाई करते हैं, वो यहाँ पे जैसे किचन हो, या फिर बेकनरी हो, बार हो, चिकन मटन शॉप हो, जो भी हो वो सिलेक्ट कर लीजिए। रेस्टोरेंट का नाम जो भी हो वो यहाँ पे डाल लीजिए। ओके, जैसे G4U रेस्टोरेंट डाल देता हूँ। ओके,
और एड्रेस जो उनका एड्रेस है वो आप डाल दीजिए, जो भी एड्रेस हो। ओके ठीक है, ये हमने एड्रेस डाल दिया। इसके बाद आपको उनके रेस्टोरेंट को टॉप लिस्ट करने के लिए आप वहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए। नियर बाय का ही करिएगा, 5-10 किलोमीटर तक का ही जहाँ आप जा सके। तो वहाँ पे आपको सिंपली एडिट मैप लोकेशन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जहाँ का मतलब जहाँ पे आप अवेलेबल हो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो नीचे आपको ये दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना, लोकेशन फ्रीज कर लेगा। इसके बाद आपको ऊपर ओके का ऑप्शन दिख रहा है, ओके कर देना। देखिए ये सारी चीजें सीखने के बाद ही आप वहाँ पे जाना, कदम रखना रेस्टोरेंट पर, अदरवाइज मत रखना। ओके इसके बाद आपको ये लोकेशन सेट हो गया। इसके बाद एड मोर का ऑप्शन है नीचे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद क्या है, कॉन्टेक्ट में उनका अगर कोई वेबसाइट है वेबसाइट डाल दीजिए, वरना फोन नंबर ऐड कर दीजिए। हावर्स तो मतलब कितने दिन खुला रहता है, वह हावर्स भी आपको ऐड करना होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्लोज क्लोज है, इसको मैं ओपन ओपन कर देता हूँ। देखिए जैसे कि ओपन हो गया, ओपन 24 आवर्स, ऐसे आप कर सकते हैं। ओके तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप कर देना। इसके बाद कॉन्टेक्ट में उनका नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा, वेबसाइट हो तो वेबसाइट डाल दीजिएगा। इसके बाद ऐड फोटो, रेस्टोरेंट का फोटो भी आपको डालना है, खाने वाने का सामान। जैसे ही कैमरे पे क्लिक करा तो ये देखिए मैं लाइव फोटो खींच पा रहा हूँ। तो देखिए जैसे कि मैंने इसका फोटो एक लेके, ओके जितनी भी फोटो आप क्लिक करोगे सारी फोटो आ जाएगी। ये दूसरी फोटो है, ये तीसरी फोटो है मेरी। ओके तो ये देखिए मैंने 3 फोटो ऐड कर लिया। इसके बाद ऊपर जो है यहाँ पे आपको एक राइट का ऑप्शन दिख रहा होगा। ओके तो राइट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब आपकी जो 4 फोटो है वो यहाँ पे आ गई। ऊपर जो है आपको डन का एक ऑप्शन दिख रहा है, डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कर दोगे यहाँ पे देखिए नीचे मैं आपको अभी दिखाऊंगा, सारी फोटो जो है आनी शुरू हो जाएगी, यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ओके तो देखिए नीचे जो है सारी फोटो हमारी आ गई, ये देखिए। ओके इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सबमिट का जो ऑप्शन है इसको सबमिट कर देना है। ओके क्योंकि उन्होंने गूगल मैप पे लोकेट नहीं कर रखा होता है, इसीलिए जो उनका रेस्टोरेंट है यहाँ पे सबमिट एनीवेयर पे क्लिक कर देना है। ओके याद रखिएगा अगर ऐसा आए तो। ओके वरना सबमिट करते ही आपको ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। अभी तक हमने जो है 15+ रेस्टोरेंट हम ऐड कर चुके हैं, इसीलिए आपको बताइए। देखिए 15+ पॉइंट हमको मिले हैं, 15+ रेस्टोरेंट हमने ऐड कर दिया है, हमें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, इसलिए हमने आपको बताया है। ऐसे आज जो है आप किसी भी रेस्टोरेंट वाले से कमाई कर सकते हैं गूगल मैप के जरिए। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद।